सुविधा दी कि आप तीन कोई भी चुन लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, आप प्लान कर लीजिए आपको कौन से तीन साल चुनने हैं। तीन कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर एक कंडीशन, जैसे मैंने कहा था कि आपकी कंपनी या फर्म 1 अप्रैल 2016 के बाद रजिस्टर होनी चाहिए और 31 मार्च 23 को सनसेट क्लोज आ रहा है। वी हैव रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू एक्सटेंड दिस पीरियड एंड शी हैज अश्योर्ड दैट इट विल बी थॉट ऑफ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक साल के लिए शायद इसको अभी एक्सटेंड करेंगे। दूसरा, यू आर ए स्टार्टअप टिल यू गेट अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। वंस यू क्रॉस 100 करोड़ यू आर आउट। तो आपको टैक्स ऑलरेडी क्लेम करते वक्त ये भी देखना है कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ कब क्रॉस करने जा रहा है। तीसरा, जैसे मैंने कहा था, इट शुड बी न्यू यूनिट। ओल्ड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो होल्डिंग सब्सिडी बना लेते हैं या फर्म को टेक ओवर कर लेते हैं, नहीं मिलेगा। एंड द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप, देखिए 2015 से पहले जो डेफिनेशन थी स्टार्टअप की वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, बड़ी नैरो थी, लेकिन इस सरकार ने आगे उसको बड़ा वाइड किया। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप, हु इज एलिजिबल स्टार्टअप? एनी पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, प्लीज अंडरस्टैंड, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस में इंप्रूव कर रहे हैं, आप कोई नई चीज डेवलप कर रहे हैं, आपने कोई इनोवेशन किया इन एनी प्रोडक्ट, इन एनी प्रोसेस और इन एनी सर्विस। नाउ इवन सर्विस इंडस्ट्रीज आर कवर्ड, प्रोसेसेस आर कवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इज कवर्ड। और आपको लगता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इनोवेशन भी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, इंप्रूवमेंट भी नहीं है, बट इफ इट इज ए बिजनेस मॉडल दैट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल एंड दैट लीड्स टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उबर, जोमेटो, स्विगी, व्हाट दे आर डूइंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, और इट लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन। यू आर ए एलिजिबल स्टार्टअप। दो कंडीशन पूरी करनी है सर, एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए और आप आइदर यू शुड बी LLP और ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी, 1 अप्रैल 2016 से 2023 के बाद में 100 करोड़ की टर्नओवर, और सबसे लास्ट जब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यू शुड हैव ए इंटर मिनिस्ट्रियल सर्टिफिकेट। लोग गलती क्या करते हैं, आपने रिकॉग्नाइज स्टार्टअप रजिस्टर्ड करवा लिया, आप समझते हैं कि मुझे टैक्स सॉलिडिटी मिल गया, नहीं मिलता। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड एज ए रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट स्टार्टअप विद DPIIT और स्टार्टअप इंडिया। देन अगेन यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 1। बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 1 यू विल गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड एंड दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर ATIAC। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जम्पशन। सेकेंड एग्जम्पशन, जो लोगों को नहीं पता, आपने यूनिट शुरू करनी है, आपने अपना कोई लैंड बिल्डिंग बेचा और उसको पैसा लगाया कंपनी में, आपको पता होगा कैपिटल गेन टैक्स में, आप सब बिजनेस मैन है, आप मकान के बदले मकान खरीद लीजिए तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन एक सेक्शन है 54GB, स्पेशल सेक्शन है फॉर स्टार्टअप। अर्लियर इट वॉज कवरिंग MSME, नाउ इट इज कवरिंग स्टार्टअप्स। आपने कोई मकान, आपने कोई लैंड बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउस बेचा, आपने उस पैसे से इक्विटी परचेज कर ली एक स्टार्टअप में, और उस स्टार्टअप को करना क्या है, प्लांट मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करना है। ड्यूअल कंडीशन, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द प्राइवेट कंपनी एंड दैट कंपनी हैज टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, बट इट शुड नॉट बी ऑफिशियल फर्नीचर, इट शुड नॉट बी अ व्हीकल और सम ऑफिस एक्सेसरीज, इट शुड बी अ प्लांट एंड मशीनरी, एंड यू विल गेट अगेन 100% कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन 54GB। एक और प्रॉब्लम आती थी, आप नाम सुनोगा ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जनरली देते हैं और स्टार्टअप को देते हैं अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए। एक सेक्शन है 17(2)(6), उसमें क्या था कि जैसे आपको ESOP मिलता है, ESOP का मतलब क्या होता है, एक कंपनी है, मान लीजिए 500 रुपए का शेयर है उसका, मैंने कहा कि आप नए हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, IT के या बंदे हैं, तो मैं आपको 500 रुपए का शेयर आपको फेस वैल्यू पे दे रहा हूँ 10 रुपए का, और उसका एक एक्सरसाइज का पीरियड होता है कि आप 2 साल काम करेंगे तो हम आपको 1 लाख शेयर दे देंगे, 2 लाख शेयर दे देंगे, 50,000 शेयर दे, जो भी उसकी वो है, इट्स ए काइंड ऑफ बोनस, बोनस इन काइंड। सर होता क्या था
कि आपको 500 रुपए का शेयर 10 रुपए में दे दिया कंपनी ने, आपने एक्सरसाइज किया, तो सरकार ने कहा रुको, ये जो 490 रुपए का बेनिफिट आपको इन काइंड मिला है इस पर टैक्स देके जाओ एज ए परक्विजिट। और जब आप उस शेयर को बेचते थे, यानी 500 का शेयर आपको 10 रुपए में मिला और मैंने उसको 2 साल बाद 600 रुपए में बेच दिया, तो 100 रुपए पर कैपिटल गेन टैक्स। स्टार्टअप्स को दिक्कत थी कि सर मैं नया, मेरा एम्प्लॉई नया, मुझको मिला कुछ नहीं, मेरे को तो एक वायदा हुआ कि 500 का शेयर 10 रुपए में दे रहे हैं और आप 400 रुपए मुझको टैक्स ले रहे हो, मुझे मिला था कुछ नहीं और 30% टैक्स मुझे देना पड़ रहा है। दैट वॉज द प्रॉब्लम। वी रेज दिस इशू टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड व्हाट शी हैज डन, और शी क्लेम्ड आउट अ कैटेगरी कि ठीक है जी, हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है, जो भी ईशॉप में डील करते हैं, ईशॉप अपने एम्प्लॉइज को देना चाहते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स बढ़ना चाहते हैं, इफ यू आर एलिजिबल स्टार्टअप, बट द एलिजिबल स्टार्टअप डजंट मीन ओनली स्टार्टअप रिकॉग्नाइज विद DPIIT, प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, दो रजिस्ट्रेशन है, DPIIT का रजिस्ट्रेशन आपको इनकम टैक्स की एग्जम्पशन नहीं देता है, यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड इन फॉर्म नंबर 1, एंड इफ यू आर अ रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज स्टार्टअप देन आप उस टैक्स को डेफर कर सकते हैं 4 साल। ईसोप टैक्सेशन के टैक्स को आप 4 साल के लिए डेफर कर दीजिए, टैक्सेबिलिटी उसी साल में, लेकिन टैक्स आपको 4 साल बाद देना है, प्रोवाइडेड आपका एम्प्लॉई नौकरी ना छोड़े, अगर पहले छोड़ेगा तो पहले टैक्स लग जाएगा, और दूसरा उस शेयर्स को बेचेगा। यह तीसरी छूट है। अच्छा दोनों खत्म करता हूं, 3 छूटें मैंने आपको बता दी, इसके अलावा एक सेक्शन 79 है, अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, स्टार्टअप्स में लॉसेज होते हैं, होता क्या है कि जब स्टार्टअप नए बच्चे शुरू करते हैं उसमें लॉसेज होते हैं, अब वो 2 साल बाद 3 साल बाद क्या करते हैं, कोई इन्वेस्टर आया, जैसे मैडम आ गई IFCI के वेंचर कैपिटल फंड आ गए, तो शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। सेक्शन 79 में क्या था कि अगर आपकी शेयर होल्डिंग 50% ज़्यादा चेंज हो गया तो आपको लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता था। दैट इशू वॉज ऑल्सो एड्रेस्ड। ये कह दिया आप कि अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप है और उसमें ATIEC कंडीशन नहीं है, आप केवल रिकॉग्नाइज DPIIT के सर्टिफिकेट स्टार्टअप है, लेकिन शेयर होल्डर सेम होने चाहिए, आप 4 शेयर होल्डर थे 25-25% के, ठीक है जी, पहली कंडीशन ये थी कि अगर आपका 50% नहीं है शेयर होल्डर, जिस साल में लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको 2017 में लॉस हुआ, 2022 में आप एडजस्ट कर रहे थे, तो 50% इक्विटी शुड बी होल्ड बाय दो शेयर होल्डर्स विच वर होल्डिंग इट इन 2017। अब क्या कह दिया कि आपके पास चाहे 1 शेयर हो, वो 4 शेयर होल्डर आपके पास है, आपने 99% भी ट्रांसफर कर दी, तब भी हम आपको लॉस का बेनिफिट दे देंगे। तो दिस इज लेसर नॉन डिडक्शंस विच आर अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप्स, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज टैक्स इशूज ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, आपने पैसा बचा लिया। धन्यवाद। थैंक यू।